नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करते अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट सीरीज खेले जाने वाली है और कब खेले जाने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता देते हैं, टाइम रहने वाला है 3:30 पर मैच स्टार्ट होगा दोस्तों। और अगर डेट की बात करें तो 6 जुलाई यानी कि कल को मैच होगा दोस्तों 3:30 पर। तो दोस्तों, इसके वेन्यू की अगर बात करें तो हैंडली लीस इंग्लैंड में, ये एक इंग्लैंड के शहर में होने वाला है दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो पिच रिपोर्ट यहाँ पर बैलेंस पिच रहने वाली दोस्तों, पेसर्स को यहाँ पर काफ़ी अच्छी हेल्प मिलने वाली है। और एवरेज स्कोर की बात करें इस पिच का तो 150 रन इसका एवरेज स्कोर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं हेड टू हेड मुकाबलों के बारे में। हेड टू हेड मुकाबले यहाँ पर 12 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 8 मैच विन किए हैं, इंग्लैंड की टीम यहाँ पर 2 ही मैच विन कर पाई है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। इन सभी प्लेयरों को आप वैसे जानते भी होंगे, क्योंकि TNPL जैसे टूर्नामेंट लीग में तो आप नहीं जानते, इनमें तो आपको पता ही होगा कि कौन से खिलाड़ी कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देंगे। तो हमारी प्रेडिक्शन दोस्तों पॉइंट के तौर पर रहती है, तो हम पॉइंट से एनालिसिस करके आपको प्रेडिक्शन देते हैं दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, टोटल यहाँ पर 78 मैच खेले गए हैं, जिनमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 29 मैच विन किए हैं और पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने 31 मैच विन किए हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर टॉस जीतने वाली टीम काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती है। इसके बाद बात करें फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर दोस्तों 307 का है, सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर दोस्तों 290 रन का है, तीसरी इनिंग का एवरेज स्कोर दोस्तों 240 रन का, और चौथी इनिंग का एवरेज स्कोर 166 रन का है दोस्तों। तो इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं हाइएस्ट स्कोर की। तो दोस्तों, यहाँ पर हाइएस्ट स्कोर आप देख सकते हो 660 का हाइएस्ट स्कोर है, और लोएस्ट स्कोर की अगर बात करें दोस्तों तो 61 रन का यहाँ पर लोएस्ट स्कोर है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इन दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, और कौन से खिलाड़ी हमारे लिए CVC में बेस्ट रहने वाले हैं, और कौन से खिलाड़ी हमें ग्रैंड लीग में लेके चलने हैं, और कौन से हमें स्मॉल लीग में लेके चलने हैं। तो हम पहले बात करते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के बारे में। तो नंबर एक पर जैक कन्वे, 2 मैच खेले हैं दोस्तों, 68.91 पॉइंट, एवरेज पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों 79.5 का एवरेज पॉइंट है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए काफ़ी मस्त पिक रहने वाले दोस्तों ओपनिंग प्लेयर हैं। तो इसके बाद नंबर दो पर बात करते हैं दोस्तों बेन डुकेट की, 2 मैच खेले हैं, 235 रन, 46 रन, एवरेज पॉइंट की अगर बात करें तो 140.5 का एवरेज पॉइंट है। तो इसे आप स्मॉल लीग में बिल्कुल से लेकर के चल सकते हो दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं जे रोट की, 2 मैच खेले हैं, 98.230 पॉइंट, एवरेज पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो 164 का एवरेज पॉइंट है। तो आप इन्हें CVC में बिल्कुल से ट्राई कर सकते हो, और इन्हें आप स्मॉल लीग टीम में बिल्कुल से लेकर चल सकते हो। इसके बाद दोस्तों नंबर चार पर बात करते हैं हरी ब्रॉक की, 2 मैच खेले हैं, 75.91 पॉइंट है दोस्तों, एवरेज पॉइंट की अगर इनकी बात करें तो 83 का एवरेज पॉइंट है। कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी प्लेयर काफ़ी मस्त होने वाला है, इनको भी आप बिल्कुल से लेकर के चलना। इसके बाद बात करते हैं बिन स्टोक्स की, 2 मैच खेले हैं, 236.109 एवरेज पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें 172 पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद नंबर छः पर बात करते हैं जोने ब्रिस्टो, 2 मैच खेले हैं, 62.161 पॉइंट, एवरेज पॉइंट की अगर बात करें 111.5 का एवरेज पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंबर सात पर बात करते हैं मोइन अली की, 1 मैच खेला है, 1 मैच इन्होंने खेला नहीं है, 105 का पॉइंट है दोस्तों, एवरेज पॉइंट की अगर बात करें तो 105 एवरेज पॉइंट है। इस वाले मैच के अंदर भी शायद ये हो सकता है ना खेलें। तो अगर कोई फाइनल अपडेट आती है दोस्तों तो हम आपको टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाइए जाके वहाँ से टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन करिए दोस्तों। तो इसके बाद दोस्तों नंबर आठ पर बात करते हैं
चेरिस बॉक्स थी, इन्होंने कोई मैच नहीं खेला दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंबर 9 पर बात करते हैं ट्रस्ट बोर्ड की, 2 मैच खेले हैं, 122 पॉइंट, 136 पॉइंट। एवरेज पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों तो 129 का एवरेज पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर बात करते हैं ओली रॉबिसन, 2 मैच खेले हैं, 95 पॉइंट, 148 पॉइंट। एवरेज पॉइंट की अगर दोस्तों बात करें तो 21.5 का एवरेज पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मार्क वुड की, इन्होंने कोई मैच नहीं खेला। तो दोस्तों ये थी इंग्लैंड की तरफ की प्लेइंग 11। तो दोस्तों इनमें अगर कोई भी चेंजिंग आता है तो हम टेलीग्राम पर अपडेट करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में, कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए बेस्ट रहने वाला है और कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए ड्रॉप करके चलना है, तो और कौन सा खिलाड़ी हमारे लिए स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में और सीबीसी में परफेक्ट रहने वाला है। तो आइए दोस्तों करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात। दोस्तों नंबर 1 पर बात करते हैं डेविड वार्नर की, 2 मैच खेले, 127 पॉइंट, 55 पॉइंट। एवरेज पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों 91 का एवरेज पॉइंट है। तो दोस्तों ये ओपनिंग प्लेयर हैं और अपनी टीम से ओपनिंग करने आते हैं और कहीं ना कहीं ये आपको अच्छे खासे इस वाले मैच के अंदर रन बना के देने वाले, तो इन्हें अपनी टीम में बिल्कुल से लेकर के चलिएगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पर बात करते हैं उस्मान ख्वाजा की, 2 मैच, 116 और 249 एवरेज पॉइंट। अगर बात करें दोस्तों तो 182.5 का एवरेज पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर बात करें एम लुबिसन की, 2 मैच खेले हैं, 93 पॉइंट, 24 पॉइंट। एवरेज पॉइंट आप देख ही सकते हो 58.5 का एवरेज पॉइंट है दोस्तों। तो इन्हें आप रिस्क के तौर पर जीएल में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर स्टीवन स्मिथ की, 2 मैच, 227 पॉइंट। एवरेज पॉइंट 113 का है दोस्तों। ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट मस्त पिक रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर बात करते हैं टेविस हेड की, 2 मैच, 147, 117 का एवरेज पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं कैमरॉन ग्रीन की, यंग प्लेयर है दोस्तों, कहीं ना कहीं अच्छी बैटिंग भी करते हैं, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी मस्त पिक रहने वाले हैं। और एवरेज पॉइंट की अगर बात करें इनकी दोस्तों 93.5 का एवरेज पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं एलेक्स कैरी की दोस्तों, 2 मैच खेले, 108, बाकी ये इनका भी काफ़ी हाईएस्ट स्कोर है दोस्तों। एवरेज पॉइंट इनके भी एवरेज पॉइंट अगर देखें दोस्तों काफ़ी बढ़िया एवरेज पॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं मिचेल स्टोक्स की, 1 मैच खेला है, इस मैच के अंदर अगर इनको खेलने का मौका मिलता है तो ये भी आपके लिए काफ़ी मस्त पिक रहने वाले दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं पेंट कमिस की, 2 मैच खेले हैं, 129, 184 पॉइंट। एवरेज कुल टोटल पॉइंट की बात करें दोस्तों 156.5, स्मॉल लीग के लिए काफ़ी मस्त पिक रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों नंबर 10 पर बात करते हैं टॉड मर्फी, इन्होंने कोई मैच नहीं खेला। अगर इस मैच में अगर कोई चेंजिंग अपडेट होती है तो हम आपको बता देंगे। नंबर 11 पर बात करते हैं जोश हेजलवुड की, 2 मैच खेले हैं, 90-53 एवरेज पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों 71.5 का एवरेज स्कोर है। तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और कौन से खिलाड़ी हमारे लिए परफेक्ट रहने वाले थे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों अगर इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 में कोई भी चेंजिंग होती है और कोई भी अपडेट हमारे पास आती है तो हम आपको टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्मेशन करते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जाइए, जाके वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करें दोस्तों। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।